हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पार्टी की जीत का दावा किया है। कहा है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बड़ौली ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर को भी निशाने पर लिया। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, चुनाव प्रचार थम चुका है, जो चुनावी वादे थे, घोषणा पत्र था, वो सारा काम हो चुका है, रैलियां जनसभाएं हो चुकी हैं, कल मतदान होना है, कैसी स्थिति आप हरियाणा में भाजपा की देखते हैं? हरियाणा प्रदेश के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि कल लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व को मत का प्रयोग करते हुए जरूर मनाएं। और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां और अपने संकल्प पत्र को लेकर हम घर घर गए हैं और आज हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बन चुका है। कल होने वाले मतदान में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने तो अपनी संकल्प पत्र क्या वो घोषणा झूठी घोषणा पत्र जो जारी किया, 7 अपने वादे उन्होंने किए हैं और हमने अपने 20 संकल्प पत्र के जो प्रमुख बिंदु थे उनको और बहुत बड़ी हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, बहुत सारे उसमें बिंदु हैं, प्रमुख रूप से 20 बिंदु थे जो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनको जनता के बीच में रखा था और उन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए और कोई चर्चा भी पहले नहीं थी कि ऐसा कुछ नाराजगी वाली बातें या कुछ ऐसी बात नहीं थी किसी उम्मीद की जाए कि हाँ पार्टी छोड़ सकते हैं, अचानक से फैसला लिया गया, कैसे देखते हैं फैसले? वो अशोक तंवर जी समय आने पर बताएंगे किस मजबूरी में किस लालच में उन्होंने ये कदम उठाया है और किस कारण से उठाया, ये जवाब देंगे। शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने कहा, लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें, मतदान करें। और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ कार्यकर्ता लोगों के बीच गए और सरकार के कामकाज को 10 सालों की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखा और उनकी बदौलत हरियाणा में तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बड़ी जर्नलिस्ट लाल दिमाग के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।